हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लिख के हैं तेरे बिन एपिसोड 24 का रिएक्शन। 23 जो था उसमें हमें देखा गया है कि भाई हया की काफ़ी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। एंड यहाँ जो मीरब और मुर्तसिम है वो बहुत एवर सो क्लोज आ गया। लाइक अब तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इनका रिश्ता एक प्रॉपर रिश्ता नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई रीज़न ज़्यादा बच नहीं गया है। लेकिन रोमेल जो है वो भी आ गया है अभी सीन के अंदर। तो रोमेल के बारे में अगर यहाँ पे हया को पता, हाँ रोहेल सॉरी, उसके बारे में अगर यहाँ पे पता लग जाता है हया को तो गेम चेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड साथ में ये, लेकिन यही कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी जो माँ है, वो माँ बेगम है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी इनकी साइड होती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा इक्वेशन चेंज हो रही है। सो देखते हैं अभी क्या होगा। और जैसे जैसे सीन एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जैसे कि पार्वन ने कहा है कि माँ बेगम उनकी साइड ले रही है, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो जिस हिसाब से मीरब को समझा रही थी, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इधर से हया मैडम तो अपना जादू टोना उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा, वो हर कुछ अपनी बाज नहीं आ रही है। और ऊपर से रोहिल भी आ गया है, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था, अब कुछ टाइम बाद ऐसे होने वाला है कि रोहिल के बारे में मुर्तसिम को 100% पता लगने ही वाला है, क्योंकि तभी उन्होंने लाया है रोहिल को फॉर श्योर। तो अब क्या जब इसको मुर्तसिम को पता होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारी चीजें मुझे देखनी है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। नीचे क्या कर रही थी तुम? बीबी जी, आप मेरा बीबी पे जादू कर रही है ना? तुम्हें किस बात की तकलीफ है? आप खान को पाने के लिए मेरा बीबी। चुप, बिल्कुल चुप। मुर्तसिम सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा होगा, उसे एक दिन मेरा होना ही है। अब तो सारे घर वालों में ही बात आ जाएगी। एक दिन इस घर से जाना है, कोई भी इस चीज को रोक नहीं सकता। समझ आई? ओले। आई समझ? आ समझाऊ? माँ बेगम को अगर पता चला तो मैं उसको भी मार दूंगी। तो फीना, तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी, गायब कर दूंगी तुम्हें। अगर किसी को पता चला तो बिल्कुल ऐसे ही राख कर दूंगी तुम्हें। गंदी है। पर अब बात तो फैल जाती है, पकड़ो अब बात रुकेगी नहीं। मुझे तो मार कर भी छांव में रखेंगे। नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें मैं कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगी। ओ भाई, ये तो ज्यादा हो गया भाई, अपने आप को ज्यादा ही समझने लग गया है। या डराने के लिए किया है कि भाई अच्छा खासा खौफ देना उसको। मेरा बेबी के अगवा में था मलिक जुबैर के आदमी थे, जिन्हें आप माफ भी कर चुके थे। जुबैर ने किया होगा ये काम। क्या हुआ? क्या कोई मुझे बताएगा क्या हुआ? देखा कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि उसकी मदद मत करो। उस कमजात ने तुम्हें इस माफी के बदले में क्या इनाम दिया, देख लो। पर तुम सुनते कहां हो किसी की? नहीं चाचा साहब, की जरूरत नहीं है मां साहब, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती, पर ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम मीरब को ले जाओ। ओ, बात कर रही है, फिर खराब हो जाएगा। मीरब वहां जाके क्या करेगी? मालिक पहले ही देर हो गई, चले। अब ये ना बोले हया को ले जाओ। देखो तुम्हारा फोन भी नहीं मिलता, तुम्हारे हवारी भी फोन नहीं उठाते। साहब मैं चली जाती हूँ मुर्तसिम के। चलो चलो, और हाँ मत बोल देना, बस इसे ले जाओ। ठीक है। अरे क्यों ठीक है बोला है, और मुझे बताती रहना, समझी? यार ये मुर्तसिम भी अपने पांव पे लात कम नहीं मारता। पर माँ बेगम ने पहले बोला था कि मैं नहीं बोलने दूंगी कुछ, अब खुद ही भेज रही है इसे साथ। वैसे हद है, जिस लड़की का मियाँ गांव की 101 पंचायतों में ख्वार होने गया है, वो कितने आराम से पड़ी सो रही है इतनी देर तक। अरे यार बस माँ बेगम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। यार उठते ही ऐसे बात तो नहीं करना चाहिए, माँ बेगम के ऊपर ही कर दो, पता लग जाए फिर, बहाना नहीं है। और वॉमिटिंग क्या, बच्चा बच्चा तो नहीं हो रहा इनका? पर ऐसा कुछ हुआ भी तो कहाँ अभी? देखा वो उसको वही लगा, मेरे को पता ही था। आंटी खुश हो गई। मीरब इधर इधर बैठो। तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं है माँ बेगम। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई है तुम माँ बनने वाली हो। माँ बेगम नहीं बस अब कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है बयान से बाहर। माँ बेगम मेरी कोई काम ही नहीं किया है माँ बनने वाला। मेरे आंसू निकले, हम माएँ भी तो अजीब होती है, देखो आंखों में खुशी से आंसू आ गए। अरे रे, बच्चों के जवान होने का इंतजार करते हो, फिर तुम माँ बनोगी ना तो समझ सकोगी। कंट्रोल, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों मुर्तसिम की छोटी सी तकलीफ पे तड़प उठती हूँ। मैं अभी तुम्हारा सबका लेके आती हूँ, बेटा जरा नहीं बस। और सुनो, उठना नहीं, मैं खुद लेटाने आ रही हूँ, लेट जाओ। अरे रे, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है? हया के ज्यादा चांसेस है प्रेग्नेंट होने के मीरब से। हद है। उसे मीरब को भी नहीं पता क्या है, फोन भी उसका बंद आ रहा है। प्लीज मरियम को कॉल करो, उससे को मेरी बात करवाए, उससे पता चल जाएगा। खैर जो भी है,
मैं नीरब की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाबाश, प्लीज उसे अभी कॉल करो। वो पता चले, हाया को पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, करवा देगी मेरा और तुम्हारा। यार वैसे इसकी कार में इसमें किसी नीरब की गुंजाइश, एप्पल कार प्ले होगा तो ये आराम से प्ले कर खुद ही कर सकता है कॉल। तो बोले फीना को लगाया। बीबी जी मैं फीना बात कर रही हूँ, ये मेरा नंबर है। हाँ मरियम, मीरब किधर है? बीबी जी वो तो नीचे है, माँ बेगम उनका सदका उतार रही हैं। आप कहें तो मैं बात करा दूँ। बस जब वो उठे तो बता देना कि मुर्तसिम उसका पूछ रहा था। यार बहुत ज्यादा हो रहा है हया का। अभी तक क्या बात है, ठीक है उसकी, सो क्यों रही है? उसे तुम्हारी परवाह नहीं है मुर्तसिम, जब पता चलेगा तो कर लेगी कॉल, उसे पूछना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वो तो बेसुध सो रही है। अरे तो गलत आग लगा रही है, वो फोन नहीं करेगी तो इसको भी गलत लगेगा, मुर्तसिम को भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इस गफलत की नींद से जल्द जाग जाए, वैसी ही मोहब्बत करे जैसी तुम करते उससे। सामने देखकर गाड़ी चला। वो आराम से कर लेगा, उसे कोई इतना शौक भी नहीं है तेरे को देखने का। हाय काश के तुम यहाँ होती मीरब, और मुझे यूँ दीवाना बार मुर्तसिम को देखते पाती। अरे मीरब रोक दे, ये मीरब तैयार होके आ गई है। ओ इतने टाइम बाद अनवर को देखा, अनवर बोला मेरी बेटी है। मीरब होगा चल थोड़ा से मजे ले ही लेती हूँ, कोई नहीं शगन वगन मिल रहा है कलेक्ट कर लेती हूँ, और गड्डी भर के शगन दे रहा है भाई। तुम मुझे बाप कहो ना कहो, लेकिन ये तो मुझे नाना कह के ही पुकारेगा ना। अरे ये तुम्हें बताएगा, कोई नहीं आ रहा है फिर क्या कर लो। इसको एक ही लाइन है, मैं तेरे बाप। माशाल्लाह नाना बनने वाले हो। अरे आप भी तो दादी बनने वाली हैं। सारे खानदान में मिठाई के टोकरे और फल जाने चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, सारे जमाने को पता चलना चाहिए कि खान मुर्तसिम खान का वारिस आ रहा है। कोई छोटी बात नहीं है। मीरब रोक दे। मुर्तसिम किधर है? वो उसे गाँव जाना पड़ गया अचानक। हया होती तो बहुत मजा आता। वो कहाँ है? वो भी साथ में गई है। ओ ले वो मैंने उसे बाजार भेजा है, कुछ जरूरी काम था। ओ भाई माँ बेगम, लेकिन खैर क्या फर्क पड़ता है, झूठ बोलती है माँ बेगम। तो है ना यहाँ किसी किस्म की कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे चेकअप तो करवा लो यार। और मीरा भी कुछ बोल ही नहीं, मीरा भी पता नहीं, मतलब मैं हर दिन आए दिन हफ्ते में दो तीन दिन उल्टी कर रही होती हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं प्रेग्नेंट। क्या मतलब है, पंची का चेक करवा ले एक बार। वैसे हफ्ते में तीन बार उल्टियाँ तो तेरे को वैसे भी चेक करवाना ही चाहिए। हफ्ते में तीन बार मैंने ज्यादा बोल दिया ना, दो हफ्ते में। मेरा बीबी कहाँ है? आप हया बीबी हैं, मैं समझी मेरा बीबी भी आई होंगी। जो आया उससे कोई सलाम दुआ नहीं, और जो नहीं आया उसके लिए सवाल ही बनी खड़ी हो। जरूरी नहीं कि हर दफा मुर्तसिम के साथ मीरा भी आए, कभी मैं भी आ सकती हूँ, और यह हवेली मेरी ज्यादा है। मैंने ऐवे ही बोल देता है ना। मैंने जरूरी नहीं समझा उसे बताना। ये तो झूठ है माँ, हया मुर्तसिम भाई के साथ गांव गई हुई। हया आजकल मीरब की चिड़ है, और मैं मीरब को इस कंडीशन में कोई टेंशन नहीं देना चाहती। लेकिन मसला यह है कि मीरब की चिड़ हया है, और हया की चिड़ मीरब। कब तक चलेगा इस घर में ऐसा? सही बात है, करती हूँ कोई बंदोबस्त इसका। सबसे सेंसिबल मरियम है, उसको इस घर से जाना होगा। शादी कर दूंगी उसकी मैं। चलो मेरी अगली नस्ल का मुस्तकबिल है। पर यार वो एक दो दिन के लिए गया, ये तो मीरब को नहीं चलेगा, क्योंकि मीरब ये कैसे सहन करेगी उसका पति जो एक कजिन है जो उस पर इतना लारे डाक पाती है, उसके साथ दो दिन के लिए कहीं गया हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे मंजो पे लटा देते हैं क्या? करीम की शादी बर्फ पे रखते हैं ना, स्मेल नहीं आए तो। मलिक ने तो तनाजा उठा लिया था। जी मालिक, अपने बंदे भी हटा दिए थे, इसीलिए मैंने तीनों को वहाँ पर मुतय्यन किया था, पर मलिक जुबैर का काम हो सकता है। रात के अंधेरे में वार किया गया और सारी जमीन पे आग लगाकर सारी फसलों को भी जला डाला। मलिक जुबैर हर जगह आपके खिलाफ बोलता फिर आए कि ये जमीन अभी भी उसी की है। क्या मुसीबत है, मुर्तसिम को भी अभी गांव जाना था। तो रोहिल के पास इसका नंबर था और इसको कॉन्टेक्ट कर सकता था, अभी तक क्या कर रहा था? शायद नीरब का ना नंबर चेंज हो गया था शायद, तो अब इसको मिल गया शायद। तो फिर सेव कैसे है नंबर? माँ बेगम को तो सहन नहीं होगा ये। पर मीरब बात क्यों नहीं करी रोहिल से, ये समझ नहीं आ रहा, उसने तो क्या ही किया था। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन उठाया, तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। अरे तुम्हें एक बार, चाहे वो आखिरी बार क्यों ना हो, तुम्हें देखने आया हूँ, तुमसे पूछने आया हूँ कि
मीरा, क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि तुमने मुझे बताना भी कवारा नहीं समझा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तो क्या मेरा ऐसे यहाँ आना रायगा जाएगा? ठीक है, तो मुझसे एक बार भी नहीं मिलोगी? टिकट के पैसे मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। मैं तुम्हारे घर भी गया था लेकिन तुम्हारे अब्बू ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। नहीं मीरा, मिलने मत जाइयो, ये मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। ये मिलने जाएगी और कोई देख लेगा, और रोयल भी बहुत शाना है, कुछ ना कुछ प्लान करा ही होगा उसने। नायना रो रो के सकते की हालत में चली गई। नायना कहती है करीम से शादी का फैसला कान का फैसला था, अब करीम नेरा तो मुझे भी मार डालो। उसी लड़की की जिसकी करवाई थी शादी, वहीं तुम जाओ। इसका मन करे ना तो झप्पी डाल के पूछे। किसी फैसले की वजह से मैं कभी किसी के सामने जवाब दे नहीं हुआ। तुम्हारा कसूर नहीं है, बस जो उनकी किस्मत। किस्मत? हम इन गरीबों के किस्मत क्यों अपने हाथों से लिख देते हैं? कोई हक नहीं है हमें। और मीरब ने यही बोला था इसको। उनका भला चाहा, मीरब को खेत में नहीं जाना चाहिए था। और तुमने मीरब के कहने पर मलिक मुख्तार के बेटे को जेल से रिहाई दिलाई है। उसे नहीं पता था कि उसे वहां नहीं जाना। तुम्हारे मना करने के बावजूद गई है। क्यों भड़काती रहती है इतना? तीन बंदे हैं। अब जो हो गया वो हो गया। कि मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अच्छा प्लीज तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इस दफा मलिक ज़ुबैर को उसका बाप भी नहीं बचा सकता। अरे रे, पर फिर से फेस ऑफ होगा, इस बार फिर से गोलियां चल सकती हैं। इतना सब कुछ हो गया मीरा, पर तुमने मुझे बताया अभी नहीं। क्या बताती? मैं तुम्हें किस मुंह से बताती? अपने ही मुंह से। मीरा तुम वो हो जो औरतों के हुकूक के लिए डट जाती थी। किसी भी औरत के साथ ज्यादती, जुल्म, किसी भी किस्म की कोई परेशानी होती थी तो तुम खड़ी होती थी। तुमने अपने साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे होने दे दी मीरा? रोहेल भी ना सही जगह पॉइंट कर रहा है। उस शख्स के लिए हाँ कर दी। देखो भाई, जान के उसको पिन पॉइंट कर रहा है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पे आके खड़ा होता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता था? आओ। अच्छा मीरा को अब हिट हुआ ये बात। क्या कह रहे हो रोहित? हाँ मीरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तुमने दबाव में आकर के एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिससे तुम मोहब्बत ही नहीं करती, जिसके साथ रहना ही नहीं चाहती। तुम्हारे लिए मेरा, तुम्हारे लिए ली थी। लोन है अभी तक सर। जब से तुम गई हो इसे अपने जेब में लिए घूमता फिर रहा हूँ, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ कहाँ किससे नहीं पूछा तुम्हारे बारे में। देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तू पहले भी कुछ नहीं कर सकता। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कौन आया? ओ नो, अनवर इज हियर। अनवर ने देख लिया भाई। अनवर किससे मिलने आते हैं होटल में? घर में एक और नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उल्टा सीधा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी, नोजिया वगैरह। और माँ बेगम तो कुछ और ही समझ बैठी, क्योंकि मेरे और मुतसिम के बीच में कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ कागजी निकाह है। ये बात सुन के इसको खुशी हुई होगी। पर ये मीरब क्यों यहाँ पे दिल खोल रही है भाई? मैं अभी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं गोली खाऊंगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, लेकिन अब इतना जरूर जानती हूँ कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। और रोहेल जितना जिद्दी दिखाया गया है वो मानेगा तो नहीं? नहीं। पपी फेस बना लिया उसने। मैंने उन्हें पनाह दी थी। आपको कोई शक नहीं है? लेकिन मरने वालों में मलिक जुबैर के बंदे भी थे, उसके अपने बंदे भी शामिल थे। इसके दिल में, इसके दिमाग में सिर्फ दुश्मनी और इंतकाम है। या मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ओले, उनके कातिलों को सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन कातिल साबित कौन है? मुर्तज़िम खान का शक तुम पे खड़ा। शक से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए भाई। अगर कोई सबूत है किसी के पास तो आए बताए ना। देखा है मैंने, देखा है तुम्हारी आंखों में इंतकाम की आग। भाई यहाँ अलग ही ड्रामा चल रहा है। कितना खून खराबा करोगे? तुमने हमारे खानदान की औरत मांगकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारे खानदान की तो सारी औरतों को मेरे पास आ जाना चाहिए। हो कम से कम तुम जैसे तरंदे से तो महफूज रहेंगे। ओ यस, काश उस रात मैं तेरी बीवी को ऐसे नहीं जाने देता। ओ तेरी, ताकि तुझे पता चले कि औरत के साथ क्या सलूक करना चाहिए। ओ माय गॉड, ये मरेगा, ये मर जाएगा। ओ नहीं, ये मरने वाला है। ओ एक इमोटी से ले ली। बस अंकल आ गए वापस से। पिछली बार भी की थी, कोई फायदा हुआ नहीं अंकल? आपका बेटा आपकी लगाम में नहीं है। साबित नहीं हुआ
दुखता भी नहीं हूं मैं तेरी माफी पर। चला दे गोली। सुबेर नहीं चलाएगा, उसको पता है क्योंकि जेल वेल हो जाएगी। अगर मुर्तसिम खान के जो बंदे कत्ल हुए हैं और इसकी फसलों में जो आग लगी है उसमें अगर मलक जुबैर मुलविस हुआ तो मैं खुद इसे मुर्तसिम खान के हवाले करूंगा। वाह। हम अपनी तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि ये मालूम हो सके कि ये खून खराबा आखिर कराया किसने। गाड़ी निकाले, पुलिस स्टेशन जाएंगे। चलो ओले, तो फिर ही पुलिस स्टेशन ही जा रहे हैं। लेकिन इस दफा मैं छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, इसको तो बता, परेशान मत हो, बस वापस आने की। प्रेगनेंसी के बारे में इनको तो बताओ। एक खुशखबरी सुनानी है। बल्कि अभी नहीं, जब तुम आओगे ना तो तुम्हारे सामने बताऊंगी। ये ले। चमा साहब, मीरब कहाँ है? बात नहीं हुई उससे, बात तो करवाई है। मीरब भी तो क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, बस वो कहीं बाहर गई है। मुर्तसिम को उस बात का क्रेडिट मिलने वाला जो उसने किया ही नहीं है। अरे मीरब, बगैर बताए बेटा मैं परेशान हो रही थी। इतना प्यार से अनवर डॉक्टर के पास गई थी, इसकी तबीयत नहीं संभल रही थी ना, तो डॉक्टर को दिखाने गई थी शायद, है ना? अच्छा, अनवर अभी लपेड़े में लेगा, मेरी बेटी है। हाँ, अब इस कंडीशन में ये सब चलता ही रहता है। बल्कि मैं घर में भी सीना से कहूंगी कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो तुम मुर्तसिम से बात कर लेना फोन पर, बहुत पूछ रहा था तुम्हारा। मैं फीना को भेजती हूँ। ऊपर से फीना को ही साथ रख रहे, फीना जो सबसे ज्यादा हया के क्लोज है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेस्टोरेंट में देखा। क्या कमाल का पार्ट था यार। और फाइनली जो मीरब है वो रोहिल से मिलने चली गई है, और मतलब मुझे शर्म आती है मीरब के लिए कि यार क्यों ही तुम रोहिल से मिलने गई थी। एक तो वो शायद वो इमोशनली भी वीक है, इससे वो चले गई होगी। और पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जब रोहिल ने उसको ऑफर करी रिंग तो उसने बिल्कुल मना कर दिया और उसने बोला कि नहीं मैं नहीं लूँगी। और वो मतलब लाइक वो खुद ही कंफ्यूज है कि लाइक क्या चल रहा है, और इधर से उसको प्रेग्नेंट बना दिया है, लाइक तुम डॉक्टर के पास नहीं दिखा रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, और इधर प्रेग्नेंट बना दिया है ना, और इधर से जो मुर्तसिम है उसके घर पर मतलब उसके तीन बंदों को मार दिया, और इधर मुझे तो लग रहा है जुबैर ने ही मारा है। हालांकि जो जुबैर के पिताजी हैं उन्होंने बोला है, जुबान दे दी, अगर जुबैर ने मारा होगा तो मैं फिर उसको मुर्तसिम के आगे दूंगा। वो क्या होगा वो तो अगले पार्ट में पता लगेगा। और जब अब मीरब का आगे से क्या रिएक्शन आएगा, ये अनवर को क्या बोलेगा। और अनवर, मेरे को एक चीज अच्छी लगी, अनवर ने शुक्र है माँ बेगम के आगे ये चीज नहीं बोली, वरना तो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ जाते हैं। लेकिन अब मुर्तसिम को जब पता लगेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, मुझे वो ही देख। और ऊपर से अभी मलिक जुबैर जो है वो तो हमें सबको पता है कि उसने ही करवाया है सब, तो वो उसका राज खुलेगा तो क्या होगा। एंड फिर यहाँ पे जो अभी कह सकते हैं मीरब ने एक काम अच्छा किया कि रॉयल को कोई होप नहीं दी है, पर लास्ट में जैसे देख रही थी वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, पर उससे पहले उसने क्लियरली बोला कि भाई मैं नहीं इसको आगे बढ़ा सकती हूँ, हम लोग अभी नहीं कर सकते ये चीज़, वो बहुत अच्छा किया था वहाँ पे। लेकिन अब आगे क्या होगा एंड यहाँ पे अनवर को क्या जवाब देगी, अब मीरब कैसे, हमने देखा है नॉर्मली कि पूरी सीरीज में उल्टे जवाब ही देती आई है और कभी सीधी बात नहीं करती है, तो अब वो अनवर को क्या बताती है, यही बोलेगी मेरे ख्याल से कि तुम मेरे से दूर रहो और तुम मतलब मेरी बातों में इन्वॉल्व मत हो, और अनवर बोलेगा भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ मेरे को बताओ, यही सब चलेगा मेरे को जितना लगता है। बाकी फिर अभी तो दोनों के साइड का चल रहा है, अभी मीरब को जब पता चलेगा कि हया गई हुई है वहां पे तो उसको वो भी प्रॉब्लम देगा, एंड अगर मुर्तसिम को पता चलेगा कि यहाँ पे इसके साथ ये था तो फिर ये भी प्रॉब्लम है। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो सकती है, तो आप लोग कैसे लगा पे कमेंट जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और सब्सक्राइब करते। बाय।